हाँ फ्रेंड, आपकी फिर से एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। फ्रेंड आप देखिए आसिस गेम वर्ल्ड फीफा के अंदर फिर से एक नया अपडेट लेके आया हूँ, जिसको मैं आप सभी लोग साथ एक एक करके शेयर करने वाला हूँ। जिसमें से सबसे पहला हमारा जो अपडेट निकल कर आ रहा है, ये हमारा जैक कैरेक्टर का अपडेट। अभी आप इसका अपडेट ये देख लेते हो फ्रेंड, इसका जो स्किल है आप अपने कैरेक्टर का एक स्किल स्लॉट को जरूर हटाओगे और इसको जरूर ऐड करने वाले हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक ये स्किल लेकर आ रहा है। फिर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मैजिक क्यूब के ऊपर अपडेट के बारे में, और यहाँ पर बात करने वाले इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हमारे कुछ कन्फर्म अपडेट, जो कि मैंने वो पहले अपडेट में बताया था बहुत सारे। फिर यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पे आपको जो हमारे जो नेक्स्ट दो इलीट पास आने वाले उसका पूरा रिव्यू करने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करके ऑल में जरूर सेट करना। चलो इंट्रो वाले मिलते हैं। एक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला जिसका नाम है गेम जी, और इस एप्लीकेशन से आप पैसे कमा सकते हो एंड डीजे आलोग एंड फ्री में डायमंड एंड एलीट पास भी आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर देना एंड इसको ओपन करेंगे तो आपको कुछ, और यहाँ पे आपको सबसे पहले लैंग्वेज सिलेक्ट करना, उसके बाद आपको यहाँ पे एक फोन नंबर डालना होगा जिससे कि आप साइन अप कर सको। जब भी आप साइन अप कर दे तो फ्रेंड यहाँ पे साइन अप बोनस आपको 50 रुपीज़ मिल जाएगा, जिसको आप गेम में लगा सकते हो। और साथ ही साथ चलते हैं यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं 100 रुपीज़, और जब भी ऐड करेगा तो इस कोड को जरूर लगाना AFGS50। जब भी आप लगाते हो तो 30% का आपको एक्स्ट्रा बोनस रिवॉर्ड मिलेगा, जिसको आप गेम में लगा के और भी यहाँ पे पैसे जीत सकते हो। तो फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक टीम क्रिएट करना है। टीम क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे टीम क्रिएट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जब भी आप टैप करते हो आपको टीम सेलेक्ट करना है, जिसमें आपको कीपर, ऑलराउंडर एंड बैट्समैन एंड यहाँ पे साथ ही साथ बॉलर को आपको सिलेक्ट करना है। जब भी आप सिलेक्ट कर ले तो पूरा अपना 11 के 11 टीम को फिर यहाँ पे आपको कन्फर्म में टैप कर देना। कन्फर्म में टैप करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना, कैप्टन बनाने से आपको डबल पॉइंट मिलेगा जो भी आप कैप्टन सिलेक्ट करो, और वाइस डेढ़ गुना पॉइंट मिलेगा। और जब भी अभी चीज़ कर ले तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे टीम बन जाएगा, और आपका यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे बहुत सारे प्राइजेस दिए गए जिस पे आप लगा सकते हो अपने टीम को। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको कोई भी एक यहाँ पे प्राइज को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे इसको कन्फर्म कर लेता हूँ, और जब भी मैं इसको ऐड करके कन्फर्म कर लेता हूँ तो मैं यहाँ पे मेरे को पॉपअप भी आ चुका है सक्सेसफुल का, और यहाँ पे कॉन्टेस्ट कन्फर्मेशन का भी आ चुका है पॉपअप। तो यहाँ पे आप क्या करना है कि यहाँ पे आपका टीम रेडी हो चुका है, बस आपको यहाँ पे गेम स्टार्ट होगा उसके बाद आपको देखना है। फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पे टीम पर अगर हार रहे हो, नुकसान जा रहा है, तो आपको यहाँ पे सेकंड इनिंग का भी एक ऑप्शन मिलता है जिससे कि आप अपने पैसे को रिकवर कर सकते हो, नहीं तो अगर सेकंड इनिंग से भी आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। फिर इसका उसमें भी आपको नुकसान हो रहा तो आप यहाँ पे लाइव फैंटेसी में भी जा सकते हो, जिसको आपको यहाँ पे 10 मिनट 10 ओवर का आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि आप उसमें भी आप वहाँ पे लगा के पैसे कमा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अपडेट बताने से पहले वीडियो को जरूर एक लाइक करना, अगर आप एक लाइक करते हो तो फिर नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छा और खास लेकर आऊँगा। तो फिर सबसे पहला जो हमारा अपडेट निकल के आ रहा है, ये है जो नया कैरेक्टर आने वाला, जो जैक कैरेक्टर, जिसको बोला जाता है कि इंडिया का एक फर्स्ट कैरेक्टर आने वाला फ्री फायर के अंदर, जिसका नाम जो नॉर्मल हमारा जो हीरो है ऋतिक रोशन, उसको यहाँ पे लाया जा रहा है हमारे गेम के अंदर, जो इमेजेस भी दिखाया जा रहा है। उससे पहले मैं आपको जो कैरेक्टर का जो नॉर्मल इसका जो एक्शन होता है, जिसको आप इमोट भी बोल सकते हो, जो कैरेक्टर का नॉर्मल एक्शन है कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा जय का, और इसमें ब्लू कलर का भी कुछ एनिमेशन देखने को मिल रहा था हाथ में। और लेफ्ट हैंड में आप जो तीन चीज़ देख रहे हो, ये उसका जैकेट पैंट शर्ट के बारे में दिखाया जा रहा है, वो अभी तक यहाँ पे दिखाया नहीं है क्लियरली, क्योंकि वो डाउनलोड नहीं हो पाया है। तो फिर इसके बारे में बताऊंगा ये कब तक हमारे इंडस्ट्री में आने का चांसेस है और कब तक नहीं। और मैं अभी जो एक्शन के बारे में बता रहा था, ये कौन से टाइप के एक्शन है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आप स्विफ्ट कैली का देख सकते हो, कुछ इस तरह ये बंदूक लेके इधर उधर कुदकती है, तो कुछ इस तरह इसका एक्शन था। और यहाँ पे हमारा क्ला का जो एक्शन, जो हॉट रॉड जैसा मारता हाथ से और पैर से। फिर यहाँ पे हमारा जो हयातो, जो नया हयातो आया था, उसका यहाँ पे एक्शन देख सकते हो कि दो दो तलवार लेके घूमता। और यहाँ पे हमारा कौन है, ये एंड्रू बाबा का जो एक्शन आप देख सकते हो कि बंदूक जैसा उंगली दो ठो निकाल के नापता रहता है, किसको नापता नहीं पता। अभी मैंने आपको चारों का एक्शन दिखा दिया कैसे आपको देखने को मिलता है, तो ऐसे ही हमारा जय का भी एक्शन आने वाला जैसे कि मैं आपको दिखा दिया हूं। अभी चलते हैं एबिलिटी के ऊपर। तो मैंने आपको बहुत दिन पहले एक एबिलिटी के बारे में बताया था, जय के एबिलिटी के बारे में मैंने आपको एक चीज बताया था कि इसमें एक स्किल शॉट मिस कर रहा है, अगर वो आ जाता है ना तो ये सबसे खतरनाक स्किल होने वाला फ्री फायर के अंदर, जो कि इस बार देखने को मिल गया अपडेट के कारण। तो फ्रेंड चलते इसका एबिलिटी को मैं सबसे पहले दिखा देता हूं। तो फ्रेंड यहां पे साफ-साफ उसका एबिलिटी के बारे में बताया गया, जय व्हेन शूटिंग एट एनिमी द वेपन कैटेगरी ऑटोमेटिक रिचार्ज 0% ऑफ इट्स कैपेसिटी ओनली फाइबर गन एंड शॉर्ट गन पिस्तौल SMG गन एंड स्नाइपर। तो ये सभी गन के ऊपर इसका एबिलिटी काम करेगा, जब भी ये एनिमी को शूट करता है तब इसका रिलोड स्पीड बढ़ जाए। और ये अभी 0% इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अभी इसका कंफर्मेशन नहीं आया कि कितना तक ये रिलोड स्पीड बढ़ाएगा, 20% या 30% या 10% या 5% कितना बढ़ाएगा नहीं पता, क्योंकि इसी का रिलोड स्पीड कैरेक्टर एक आती है हमारा जो खाली SMG गन रिलोड करती है, तो उसको टक्कर देने के लिए ये सबसे खतरनाक कैरेक्टर आने वाला जैक कैरेक्टर, जो कि सबका भी
पप्पा होने वाला सही में, और इंडियन कैरेक्टर यार पप्पा होगा तो ज़्यादा मजा आएगा। यहाँ पे एक और चीज़ बताया गया है, यहाँ पे ये जो जैक कैरेक्टर आ रहा है ये स्वाइप्ड एजेंट आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। और आपको पता है कि यहाँ पे ऋतिक रोशन ज़्यादातर एक्शन मूवी बनाता है और ये एजेंट टाइप का कुछ मूवी बनाते रहते हैं, तो ये आपको स्वाइप्ड एजेंट की तरफ से ये आएगा जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बोला जा रहा है फेमस है। तो अब देखते हैं ये कैसे टाइप का ये होने वाला है। अब बहुत ज़्यादा तो हाइप तो बन चुका, अब देखते हैं ये OB24 के अपडेट में ज़्यादातर चांसेस है आने का, बट इसका इन्फॉर्मेशन बैक टू बैक निकल के आ रहा, तो हो सकता है कि आपको इसी अपडेट के अंदर ही मिले, बट मेरे को जहां तक लगता है कि OB24 के अपडेट में ही देखने को मिले। लॉकडाउन भी बहुत ज़्यादा चल रहा है इसी कारण आपको देखने को मिल सकता है लॉकडाउन के बाद भी, ठीक है कुछ भी हो सकता है, बट मेरे को जहां तक लगता है कि OB24 के अपडेट में ही देखने को मिल सकता है ये चीज़। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट के तरफ। हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है ये हमारा मैजिक क्यूब के स्टोर के ऊपर अपडेट है, जहां पर आपको पता है कि इंडोनेशिया सर्वर में एक ऐसा मैजिक क्यूब का स्टोर अपडेट होता है जो कि आपको हर एक दो दिन के बाद देखने को मिलता है, जिसमें से आपको ये फीमेल का बंडल तो हमारे इंडिया सर्वर में आ चुका है, ये फुटबॉल का जैसे हमारा गोल्ड रॉयल का, तो हमारे इंडिया सर्वर में नहीं आने का चांस है, भले गोल्ड रॉयल में आपको देखने को मिल जाए हमारा अलग बात है, बट पे यो फीमेल का एक और बंडल ये वाला और ये वाला, ये सभी के सभी पुराने बंडल है। तो अगर आपको लगता है कि ये दोबारा हमारे मैजिक क्यूब में आएगा तो फ्रेंड मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये दोबारा अब आपको मैजिक क्यूब में तो खासकर नहीं देखने मिलेगा। 95% मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि नहीं देखने मिलेगा, 5% भगवान जाने क्या का मुंडी घूम जाए फ्री फायर का और ला के दे दे लो अलग बात है, बट यहाँ पे 95% है कि नहीं आएगा, बट ये किसी इवेंट में आएगा ये मैं आपको 100% में बोल सकता। चलते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि मैंने वो कल वीडियो में ही बताया था, ये हमारा जो एक फीमेल का बंडल आने वाली है ये ब्राज़ील सर्वर में कुछ इस टाइप के ये इवेंट में देखने मिले, जहाँ पर आपको टोकन कलेक्ट करना पड़ता 5 टोकन लेफ्ट साइड में, और इसके लिए आपको स्पिन मारना पड़ता पहला 1 स्पिन के लिए 10 डायमंड, और यहाँ पे अगर 5 स्पिन करना था आपको 20 डायमंड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्राइस अलग अलग रहता है डायमंड का स्पिन करने का, तो उसके हिसाब से हमारे इंडिया सर्वर में भी ये आपको देखने को मिल सकता है, नहीं तो ये बंडल आपको किसी और अलग इवेंट में देखने को मिल सका है। और फिर एक छोटा सा अपडेट बताऊंगा, मोको का स्टोर शायद इस मंथ जल्दी ही देखने को मिल जाएगा, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मिला तो वो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। फिर इसके बाद आपको एक नया एक और इवेंट देखने को मिल सकता है हमारे इंडिया सर्वर में, तो ये इवेंट हमारे समर इवेंट में आते हैं जहाँ पर आपको मेल का बंडल दिया गया था, और इस इवेंट में होता है कि यहाँ पर 2 टाइप के स्पिन मिलते हैं, यहाँ पे इनके सर्वर में 3 टाइप के स्पिन है भाई साहब, मतलब हमारे इंडिया सर्वर में थोड़ा सस्ता में दिया जा रहा है। यहाँ पर लक के लिए भी आपको यहाँ पर स्पेशल स्पिन दिया जा रहा है 30 डायमंड का, मतलब क्या बोले बाहर में तो और खतरनाक लूट रहा है भाई साहब, सच में मैं सोचता था कि इंडियन सर्वर में लूटता है, बाहर में भी बहुत ज़्यादा लूटा जा रहा है। तो ये इवेंट में होता है कि बस आपको स्पिन मारना, अगर आपका लक अच्छा रहा तो जल्दी मिल जाएगा, अगर लक अच्छा नहीं रहा तो समझ लो कि आपको कितना डायमंड देना पड़ेगा, मैक्सिमम 1000 की 2000 डायमंड कहीं नहीं है इस इवेंट में। अगर आपका लक अच्छा रहता तो 600 या 700 डायमंड में ही आपको अच्छा मिल जाएगा, और ज़्यादा अच्छा लगा तो आपका रेयर आइटम, आप खुद रेयर आइटम हो तो आपको 1 ही स्पिन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये अपडेट मैं आपको सब शेयर कर दूँ। अब चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट एलीट पास आने वाला, उसका पूरा रिव्यू दिखा देता हूँ आप लोगों को।